राइट सो हाय माय यूट्यूब फैमिली एंड दिल के बारे लोगों थैंक यू वेरी मच फॉलो करने के लिए एंड यार एक वीडियो देखो बहुत अच्छा डाला है जिसमें बताया गया है सीपीयू चेंज करना और उसमें सीपीयू चेंज किया है विदाउट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड का पहला वीडियो है सर आप कह सकते हो क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब में ऐसा कुछ देखा नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉलेज नहीं होगा लोगों को छुपा के बैठे हैं अंदर डाल दिया है ना तो वर्ल्ड का ऐसा पहला वीडियो है जिसमें एक लेटेस्ट सेट का सीपीयू को चेंज किया गया है विदाउट फ्लैशिंग विदाउट प्रोग्रामिंग विद सिक्योरिटी जिसमें आईएमई भी है बेसमेंट भी है बट विद मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं कि उठा के सीपीयू लगा दिया ले भैया सर कस्टमर विद मॉडिफिकेशन कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसमें कुछ कॉम्पोनेंट को हटाया है तो ये देखो बहुत अच्छा है मज़ेदार है जाओ सीखोगे पेड कंटेंट है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो उनकी समझ के बाहर है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को पेड कंटेंट बना कहते हैं हमारे लिए ये नॉर्मल है हमें तो लगता है हमें इसके ऊपर सिखाएंगे कुछ दूसरा कल एक वीडियो और डाला है उसको भी जाके प्लीज फॉलो करो वो वीडियो बनाया मैंने रैम चेक करने का तो ये भी वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो है आई थिंक क्योंकि आज तक किसी टेक्नीशियन ने रैम को चेक करने का वीडियो नहीं बनाया सब लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो डुअल लेकर के रैम का बना रहे हैं मैंने बनाया है एक डेडिकेट रैम जो कि अभी 9A और जो टेक्नो वेक्नो इन सबके फोनों में आ रहे हैं ना वो रैम को चेक करने का और जिसमें मैंने अपनी बुक में भी बताया है कि देखो आप बुक से भी रैम को भी चेक कर सकते हो सो जाके देखो देवेंद्र अग्रवाल के चैनल में थैंक यू वेरी मच अब चलिए अब बात करते हैं 28 दिसंबर की बैच मुझे बताओ आज सुबह यूनिवर्सल एक्सटेंशन से आपको सीपीयू किस किस ने रिवॉल्व किया yes, sir, sir. पक्का yes, sir. ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ रिवॉल्व किया कि ऐसा ही मतलब रिवॉल्व कर दिया पक्का yes, सर वेरी गुड और अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि आपके बोर्ड में डायोड देखने का नजरिया किस किस का बदला जल्दी बताइए yes, पक्का yes, sir. कौन कौन यहां से जाने के बाद ये बोर्ड के पूरे डायोड निकाल देगा और चेक करेंगे yes, और ये बताएंगे कि ये टीवीएस है यूनिडायरेक्शनल है बाइडायरेक्शनल है या एक जनरल है या एक नॉर्मल ये भी बता देंगे कि सीरीज है कि ये भी बता देंगे कि स्विचिंग कर रहा है कि स्विचिंग कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है कि एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है या आपका ओसीपी कर रहा है क्या कर रहा है ओसीपी ओवर करंट प्रोटेक्शन और 3 लाख का डायोड भी कौन कौन चेक कर लेगा चलिए बताओ हाँ चलिए ठीक है आइए बेहतर तरीके से कॉल करते हैं So, अगर मैं इधर जाऊं और देखूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरी बात समझना मैं तो लैग दिखाऊंगा आपको मुझे बताओ इसमें आपको लैग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है तो ये एक बाय डायरेक्शनल हो सकता है क्या हो सकता है बोलो बाय डायरेक्शनल ये पहली चीज पॉइंट बनाते हैं देखो देखकर वही सिचुएशन बनाओ यही आइडेंटिफिकेशन है कि मुझे एक कॉम्पोनेंट को देखकर क्या क्या समझ में आ रहा है कितने पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं पहला पॉइंट क्या नहीं है बताओ लैग नहीं तो ये बाय डायरेक्शनल हो सकता है पहला पॉइंट क्या लैग नहीं है लैग नहीं है बाय डायरेक्शनल हो सकता है क्योंकि ये यूनि भी हो सकता है और बाय चलो दूसरा पॉइंट बनाएंगे ये ग्राउंड ही होगा क्या होगा ग्राउंड होगा ध्यान देना एसेट
जाए जिसमें लैग नहीं होते वो सारे के सारे ग्राउंड ही लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पैरेलल। उसी बात, ये बैटरी के पास लगा हुआ है। किसके पास लगा हुआ है? बैटरी के पास। तो ये पैरेलल ही है क्योंकि बैटरी के पास सीरीज का कोई काम नहीं है, ना एसी से डीसी बदलना है और ना ही स्विचिंग करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? स्विचिंग करने का काम केवल पावर की में होता है और दूसरा काम लाइट में होता है। कहाँ होता है? लाइट। चलो देखते हैं अब ये डायोड कौन सा है, बताओ कौन सा डायोड है? दोनों। तो मुझे बताओ इस डायोड को निकालेंगे तो कोई रीडिंग आनी चाहिए क्या? अगर रीडिंग आई तो डायोड खराब माना जाए। अगर इस डायोड को निकाला और दोनों में से एक और भी रीडिंग आया तो ये डायोड क्या माना जाएगा? अब निकाल के चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा बाय डायरेक्शनल डायोड। अब नोटिस कीजिए और जाते हैं डायोड में, जहां जहां डायोड, ये देखो जिस भी स्कीमेटिक में के लेआउट में अगर डायोड किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्या बनाया गया है, क्रॉस, वो एनसी कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? एनसी। मतलब ये लगा नहीं है और लगा भी होगा तो जरूरत नहीं होगी। नहीं है। फोटो खींचो उसका, लगाने की जरूरत मतलब आपको लगाना ही नहीं है और लगा है तो निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब आप इसको कहीं दूसरे के लिए निकाल भी सकते हो स्टेफनी के रूप में। ये देखो ये यहाँ लगा हुआ है, दीपक सर डायग्राम में ध्यान रखो, जहाँ जहाँ हुए आपको यहाँ दिखाते रहे, राइट? आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये लगा के दिया इन्होंने, पर तब भी डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप चाहो तो निकाल भी सकते हो और चाहो तो लगे रहने दो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो निकल जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाए। यहाँ पर वोल्टेज दिया जा रहा है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो दैट मीन लोड पूरा हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर, और ये स्पाइक क्या है? स्पाइक है। तो यहाँ से वोल्टेज दिया जा रहा है तो ये अभी नॉर्मल वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? नॉर्मल वोल्टेज। और ये इसी नॉर्मल वोल्टेज को बोले झेल सकती है पर स्पाइक को नहीं चलेगी क्योंकि बहुत ऊंच बहुत लेवल पे चला जाता है करंट। अब अगर स्टेटस की बात करूं, अगर कॉपी किताबों की बात करूं या गूगल की बात करूं तो ये तो हजार तक बोल देते हैं, पर एक्चुअल अब उसको लोड चेक नहीं किया जा सकता कि हजार जाता है कि नहीं क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट है। वो हम चेक बैठे रहेंगे वो देखेंगे स्पाइक जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी 0.1% है 100 में। कभी भी आ सकता है, उसको हम ऐप कोई टाइम नहीं है कि वो अब आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए सर्किट के, किसके लिए? डायोड। डायोड अगर सिंपल दिमाग में सर, डायोड का अगर एक चिरा ग्राउंड लगा है तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगा है। लगा है देखो अब मैं इसको प्ले करूंगा तो नॉर्मल करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ पर स्पाइक बोलते हैं करंट बढ़ जाएगा। ये देखो करंट बढ़ गया, करंट का बढ़ गया, क्षमता बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये बढ़ गया। अब ये बढ़ा हुआ करंट किसको डैमेज कर सकता है? आईसी को। वो अब कहाँ जा रहा है बता? ग्राउंड में। हाँ स्पाइक वोल्टेज है तो वो इस तरह से उसको ग्राउंड कर देगा। ये वीडियो ले लो उसका, चालू मोबाइल में। करूं प्ले? यस सर। तो नॉर्मल करंट जा रहा है, अब ये करंट हाई हो गया है, स्पाइक हो गया है वोल्टेज, इसीलिए इसको ट्रांजिएंट वोल्टेज कहा जाता है, ऊंचा मतलब अतिरिक्त, जिससे वजह से आईसी डैमेज हो सकती है। और अगर इनकेस अब अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये सारा करंट कहाँ चला जाएगा? आईसी। और ये प्रोबेबिलिटी 0.1% होती है 100 में से। ये फोटो खींचो एक। अब ध्यान देना जो भी डाटा बना रहे हो उस डाटा को किस तरह से रख रहे हो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप पर्टिकुलर यहाँ से जाने के बाद रात में जितने भी फोटो खींच रहे हो, जो भी कॉपी में लिख रहे हो, जो भी वॉइस है, तीनों चीज को एक फोल्डर में डालो, भले मोबाइल है या लैपटॉप है, और उस फोल्डर का नाम डालो डे वन डे टू। नहीं तो क्या होगा, चार दिन बाद पता नहीं चलेगा कि ये फोटो खींची क्यों थी। मिक्स हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप उसको क्लास वाइज डाटा बनाओ डे वन डे टू। अब डे वन में जो जो लिया है फोटो इमेज रिकॉर्डिंग वीडियो सब डाल दो उस फोल्डर में, और ज्यादा है तो डे वन का नाम भी डाल दो। डायोड कॉइल क्या डालोगे? कल डाला था कैपेसिटर रजिस्टर, ऐसे सेक्शन वाइज नाम डाल सकते हैं तो आपको डाटा ढूंढने में आसानी रहेगी, आपका डाटा मिक्स नहीं होगा। चलो तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? डायोड पायलट में क्या काम करता है जल्दी बताइए? प्रोटेक्शन का काम करता है। फ्रीक्वेंसी लाइन में डायोड नहीं लगते, इसलिए नेटवर्क सेक्शन में डायोड ना के बराबर है, जीरो लेवल पे है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप किधर भी
नेट्रो सेक्शन में आपको डायोड देखने को नहीं मिलेगा सर। नेट्रो सेक्शन में डायोड का कोई काम ही नहीं है क्योंकि वहां से फ्रीक्वेंसी चलती है। देखो ये नेट्रो सेक्शन है, यहाँ आपको डायोड दिखाई नहीं देंगे, दिखाई दे रहे कि कोई डायोड लगा है? ये WTR लगा है, यहाँ पर आपको कोई डायोड नहीं दिखाई देगा। इनकेस एक आध डायोड अगर लगा भी होगा तो ये समझ लो वहाँ वोल्टेज चल रहा है। वहाँ क्या चल रहा है? हाँ ध्यान दीजिएगा, हालांकि बहुत माइनर होता है डायोड। अच्छा अब हम इसको चेक करते हैं, ये सीरीज है कि पैरेलल है। तो हमने कौन से बोर्ड पे रखा हुआ है? कहे आप सबने, किस किस ने सीरीज पैरेलल चेक किया था बताइए? पक्का प्रैक्टिकली? आज आपको डायोड चेक करना है और आज आप, मैं देखो टेस्टिंग ऐसी करना डायोड की कि जब शाम को वहां जाओ और बैठो और आप टेस्ट कर रहे हो तो पहला एक बोर्ड लेना और कोशिश करना कि इस बोर्ड में कोई भी एक डायोड ना हो जो छूट जाए मेरे से। समझ में आ रहा है मेरे को? ये मत करना कि दो इससे कर लू चार उससे कर लू, पहले एक बोर्ड के पूरे डायोड को टेस्ट करना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वहां सीरीज कितनी है और पैरेलल। तो तुम्हारा एक ये हो जाएगा सर इस बोर्ड में तो सर सही है सर, मेरे को तो सीरीज मिला ही नहीं है, लाइट में मिला है। बनाओ फिर अपन टेस्टिंग करते हैं। ज्यादातर ऐसे डायोड को तभी चेक करें जब बेसिकली यहाँ दोनों ओर बीप आ रही है या ये सिरा गर्म हो रहा है, अदरवाइज डायोड ऐसे खराब नहीं होते हैं, या तो ये शॉर्ट ही हो जाते हैं या तो लीकेज होते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, वेरी गुड, हजार से कम आ रहा है, हजार से कम, हजार से कम आ रहा है रीडिंग। और दूसरी ओर चेक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हजार से ऊपर ऊपर आ रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल सही हो। और ये लैग दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्या दिखाई दे रहे हैं? लैग दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये आपके TVS भी हो सकते हैं, नॉर्मल तो नहीं, जिनर या TVS, क्योंकि इतने इतना नॉर्मल डायोड इतना बड़ा, नॉर्मल डायोड का लैग और बड़ा होता है, ये दिखाई दे रहा है ऐसा? नॉर्मल डायोड हमेशा बड़ा होता है ऐसा, हाँ। हालांकि बहुत छोटे ग्लास वाले भी होते हैं पर वो अलग ही सेक्शन में देख जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा यहाँ और चेक कर लेते हैं, ये डायोड, ये आपको बताओ ये क्या बाय डायरेक्शनल है क्या? आया ना? आया ना? नहीं सर। यूनि डायरेक्शनल है क्या? नहीं सर। तो ये नॉर्मल या जिनर? बोलो बोलो, नॉर्मल है। और अगर दोनों लेग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो नॉर्मल, अगर एक लेपर्ड, हालांकि यहाँ से तो दोनों लेग एक ही दिखाई देंगे क्योंकि ये अंदर बड़ा होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और इसको चेक करें तो ये किसके साथ दिखाई दे रहा है बताओ? कॉइल के साथ। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि डायोड बोर्ड पे चेक कर लेते हैं, अगर दोनों पर GR आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा लाइट में सीरीज है, सीरीज है। यहाँ भी GR, यहाँ भी GR, सीरीज। तो सर ये तो नॉर्मल डायोड होगा, नॉर्मल डायोड, मतलब एक और रीडिंग ही देना चाहिए इसको तो। आ रहा है यहाँ पर? यस सर। ठीक है अब ये वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पर कैसा आ रहा है? एक और GR आएगा, एक और 00 आएगा, एक और क्या आएगा? मतलब क्यों? ग्राउंड, ग्राउंड, ये पैरेलल लगा है। क्या लगा है? पैरेलल। डाल दो एक और रीडिंग। अब इतना साइज का डायोड और एक और 2000 से ऊपर, अब अगर इतने साइज का डायोड जिस पर अगर कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ है, अगर कहीं और भी लगा है तो वो बिल्कुल एक ही जैसी रीडिंग देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब जैसे देखो ये डायोड है, अब ये डायोड कौन सा? दीपक सर इस डायोड को निकालो, ये डायोड को पैरेलल चेक करते हैं, बता दो यूनी है कि बाय है। निकाले सर लास्ट एक ये डायोड को निकालते हैं, इस डायोड को निकाल के चेक करते हैं यूनी है कि बाय है, फिर इसको नोट कीजिएगा। तो ये टेस्टिंग सैंपल है कि क्लास में करनी है मेरी बात फिर से समझ लो। ऑन बोर्ड पहला नंबर पे क्या मिलेगा? मतलब क्या? एक और रीडिंग, एक और मतलब ओके ओके। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। बोलो ऑन बोर्ड क्या मिलेगा? ऑन बोर्ड केस टू, अगर दोनों रीडिंग मिली, बोलो दोनों रीडिंग मिली, पर एक रीडिंग हजार से कम और एक रीडिंग हजार से ज्यादा है तो वो भी हम क्या मानेंगे? ओके। और आपको शाम को प्रैक्टिकल में उसको भी निकाल के क्या करना है? चेक करना है, चेक करना है। केस थ्री, अगर दोनों और हजार से कम मिले तो क्या कीजिए? वैल्यू चेक करके अपनी केस स्टडी बनाइए कि सर वो डायोड पर क्या लिखा है, वो रीडिंग क्या है, ताकि अब वैसे ही टाइप के जितने भी डायोड लगे हैं सब एक जैसे ही है, मतलब सब ही ओके माने जाए। आइए इसको चेक करें। सो पहली बात मुझे बताओ, नॉर्मल डायोड है क्या? नहीं सर। जिनर डायोड है क्या? TVS। किस किस को लगता है TVS डायोड है? जल्दी बताओ, TVS डायोड बताओ, TVS डायोड है। यस सर। वेरी गुड। अब टेस्टिंग में बताएंगे कि यूनी है या बाय है, ये सब चेक करो।
नो रीडिंग बाय 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 नोट करो उसको नोट टेस्टिंग ये डायोड की टेस्टिंग है केस वन केस टू केस थ्री केस फोर टेस्टिंग time for me. I've been flying from
सर नॉलेज दिए सर ने पढ़ाया हमें समझाया इसके बारे में सर
आप कर सकते हो आइडेंटिफाई? यस सर। सब कर सकते हैं? यस सर। तो आपने खुद ने प्रैक्टिकल करा है? यस सर। चलिए ठीक है, तो मेरे सामने है जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सर दीपक कुमार है, मुजफ्फरनगर से हूँ। दीपक, आज एशिया टेलीकॉम में आपको दूसरा दिन कंपोनेंट 2 की क्लास कैसी लगी? देव सर के साथ की आपकी बहुत अच्छी थी। सवेरे आपने क्या किया? सर सुबह मॉर्निंग में आगे डबल डेकर की आईसी मतलब रिबॉल की, ठीक है। और उसके बाद दोपहर में क्या किया आपने? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी दोपहर की। यस सर। है ना, दोपहर की देव सर के साथ थी, 12 बजे से 6 बजे तक। यस सर, 6 बजे तक थी सर, ठीक है। तो डायोड और कंपोनेंट्स के कैपेसिटर रेजिस्टेंस का हमारा मतलब सर ने समझाया, और उसके बाद हमारा सारा रिविजन कराया गया सर दोबारा से। उसके बाद फिर हमने पावर आईसी रिबॉल की और निकाली लगाई सर। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक बोर्ड से हम ग्राफिक का बूस्ट भी निकाल देते हैं, लाइट का बूस्ट निकाल देते हैं, और पावर का बक निकाल देते हैं, यस सर, है ना? यस सर। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर? यस सर, आइडेंटिफाई। वो तो सब एक सरी की होती है? नहीं सर, उसमें अलग अलग होती है ना ऐसी। नहीं, दिखने में तो एक। हाँ, दिखने में सर मतलब इक्वल होती है, बट उसको हम चेक कर लेंगे। जो सर ने हमें ट्रिक बताई, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम उसे चेक करके आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें बक कोयल कौन सी है और बूस्टर कोयल कौन सी है सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी सर, बिकू प्रसाद, आसाम से। बिकू आसाम से जी सर। तो जबलपुर में दूसरा दिन बिकू समय से आप काम भी कर रहे थे इस फील्ड में जी सर, लंबे समय और 2 दिन, क्या भारी है काम? यस सर, बहुत भारी है। नहीं सर, नहीं भारी है। क्या हो गया? नहीं है भारी सर, यहाँ से आने से पहले भारी लगता था सर, अब भारी नहीं। आपका पुराना एक्सपीरियंस और आज के 2 दिन, तो 2 दिन आपके काम पे भारी है? यस सर, यस सर, ये पूछ रहे हैं हम। यस सर, भारी है कि नहीं है? यस सर, है ना जी सर, आप समझ नहीं पाए उसकी। हाँ सर, आपका प्रेजेंटेशन समझ है ना। तो ये बताइए मेरे को कि आपको आज कंपोनेंट 2 की क्लास खत्म हुई, yes, तो पूरी पीसीबी में कोई कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट आपको? नहीं सर, बाय कोई भी कंपोनेंट, बाय थ्योरिकल, बाय प्रैक्टिकल, बाय पीसीबी, बाय पीसीबी के बाहर जी, आपको सब चीज का नॉलेज है इसका? यस सर, सब चीज का नॉलेज है सर। बक क्या होता है, बूस्ट क्या होता है? जी सर, यस सर, हां जी। पावर का बक क्या होता है, ग्राफिक का बक क्या होता है, और अगर बूस्ट कॉइल की बात करूं तो मैं क्या होता है, है ना जी सर, है ना? ग्राफिक्स में जो बूस्ट कॉइल लगी होती है, तो उसका मान क्या होता है? जी मान कैसे नाप सकते हो? हां, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं सर। वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी सर। तो अभी कोई बोर्ड से तो नहीं निकालना पड़ेगी ना? अगर कोई सा भी बोर्ड पड़ा हो तो उससे निकाल सकते हैं, है ना? आपका खर्चा बचाना है, नॉलेज भी एनहांस हुआ आपका जी सर। अच्छा, इसके अलावा आपको आज प्रैक्टिकल के तौर पे क्या मिला है आपको? सर आज सीपीयू मिला था मुझे ड्यूअल लेकर का, ठीक है जी, उसको एक बार रिबॉल कर पाया मैं। अच्छा, और आपका शाम को मुझे मिला था पावर एसी जो निकाल के दोबारा लगाना था, तो काम डन हुआ जी सर। कैसा लग रहा है? मजा आ गया सर, मजा आ गया जी। सारे कोई स्टूडेंट है जी? सर मैं नाम अंकुर सिंह और मैं गाजियाबाद से। हाँ जी, आज दूसरे दिन की क्लास कैसा नॉलेज मिल रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लास्ट में भी कुछ काम किया है आपने, पावर आईसी को निकाल के वापस 4G पीसीबी से पावर आईसी निकाला है, निकाल के वापस फिक्स करा, ये काम आपने पहले कभी किया था? नो सर, अभी फर्स्ट टाइम किया है। जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सर मॉर्निंग में भी 4G सीपीयू डबल डेकर वाला रिपोर्ट किया था 2 बार, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम सोनन, महाराष्ट्र से, पुणे। सोनन, 2 दिन की क्लास, दूसरे दिन कंपोनेंट, आज आपका कंपोनेंट फिनिश हुआ। हाँ। किसी प्रकार का कोई डाउट, कंफ्यूजन? बाय थ्योरिकली, बाय प्रैक्टिकली? नहीं, कंपोनेंट एकदम विस्तार से पढ़ाया सर ने, जैसा कि हमको पूरा पीसीबी का फैमिली का ही नॉलेज दिया। अच्छा। तो फैमिली मेंबर से ही। अच्छा। जैसा रहता है फैमिली मेंबर से, सब पीसीबी में भी कोई कंपोनेंट होता है। हाँ। वो आज हमको पता चला। बराबर है, तो अभी कोई ऐसा लगता है कि ये जाना पहचाना नहीं है? नहीं, नहीं, या इसका काम नहीं मालूम, या इसकी रीडिंग नहीं मालूम, या इसकी पहचान नहीं मालूम, किसकी हाइट कम, किसकी हाइट ज्यादा, कौन गोरा, कौन काला, कौन भूरा, है ना, किसके माथे पे बिंदिया लगी हुई है ना, सारे कोड्स मालूम है आपको स्कीमेटिक के? अच्छा, ये बताओ मेरे को, ये कंपोनेंट की क्लास अगर कोई चौथे इंस्टीट्यूट में मिलती है आपको, तो क्या इतना सटीक सीख पाते हैं?
इतना सटीक नॉलेज मिल पाता बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली? नहीं सर, स्ट्रिक के बिना कुछ मुश्किल पॉसिबल नहीं। लास्ट में अभी जाते जाते लास्ट में क्या किया आपने? पावर ऐसे निकाल के लगा दिया। आपके कंप्लीट हुआ आपका जॉब? डन हुआ जॉब? डन। चलिए नेक्स्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है राजस्थान से, गौरव राजस्थान से। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 ईयर। देखो तुम्हारे पास ग्रोथ के बहुत चांस है। आपको नॉलेज कैसा मिल रहा है? नॉलेज बहुत बढ़िया मिल रहा है सर। क्या बोलना चाहेंगे अपने पेरेंट्स से आपको देख रहे हैं वहाँ पर कि मतलब किस हिसाब का नॉलेज मिल रहा है? आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको समय और इतनी दूर पहुँचाया है यहाँ पर छोड़ने? दो व्यक्ति आए थे आपको, जो आप कौन आए थे छोड़ने? साथ ही आए थे, भाई है वहीं। भाई हैं आपके, वो छोड़ने आए थे आपको। आपकी एज कम है इस कारण आपको यहाँ छोड़ने आए थे। शायद घर से पहली बार आप निकल के आ रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पर जो एशिया टेलीकॉम के जो हॉस्टल है और ये ग्रुप मेंबर जो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, तो कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई डर वाली बात है? मुझे लगता ही नहीं है, 2 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। अच्छा, क्या लगता है फिर? मतलब पहले से ही रह रहा हूँ मैं। पहले से ही रह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो और नॉलेज कैसा मिल रहा है? ये तो रहने की बात हुई, नॉलेज कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है सर। अच्छा, आज कंपोनेंट की 2 दिन की क्लास खत्म हो गई हमारी, तो कंपोनेंट के बारे में क्या बोलेंगे आप? कंपोनेंट कुछ भी पूछ लो सर, वो भी बता देंगे हम। अच्छा, देखने का नजरिया? देखने का नजरिया बदल गया। 5 फीट दूर से बता दोगे कौन सा कंपोनेंट? यस सर। क्या काम है इसका बता देंगे। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है नौशाद मुजफ्फरनगर से। नौशाद जी, तो क्या क्लास थी भाई आज हमारी और कितनी बजे से थी क्लास? 8 बजे से थी सुबह। सुबह 8 बजे से, और क्लोज कब हुई हमारी? क्लोज हुई जी शाम को 10 बजे। रात को 10 बजे जी? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे जी। अभी क्लोज हो गई क्या जी? चली रही है अभी तो? चली रही है, चली रही है जी। अभी घर वाले देख रहे होंगे तो वो तो मान ही नहीं रहे होंगे बात को जी, कि वही कोई 14 घंटे की क्लास होती है क्या? होती है क्या क्लास? नहीं सर, मानेंगे जी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ 14 घंटे में कितने घंटे का ब्रेक दिया तुमको? आधा घंटे का बस मुश्किल से। टोटल ब्रेक कितने कितने मिनट का मिला होगा टोटल, सुबह से लेके शाम तक? 20 मिनट का और 10 मिनट का जी, आधा घंटे का। तो जो इंस्टीट्यूट में आप पैसा डाल के आओ, समय बर्बाद करके, समय अपना वहाँ का समय पूरा आपने बंद किया है, समय अपना शॉर्ट किया है, इतनी यहाँ पे फीस जमा की है, घर से इतनी दूर आए हो, फैमिली मेंबर से दूर गया हो, अपनी शॉप क्लोज करके आया हो, आपका नुकसान भी हो रहा है जी, है ना? तो उस लेवल का नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जी? जो सोच का है तो उससे भी ऊपर का नॉलेज मिल रहा है सर। और पीसी पे देखने का भी नजरिया बहुत बदल गया। ठीक है, तो 2 दिन की क्लास कैसी रही? बहुत अच्छी रही सर। अभी हैंड स्किल की बात करूँ, नॉलेज की बात करूँ, कंपोनेंट की बात करूँ, तो कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर, सब बता देंगे। चलिए, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है कमल सिंह मथुरा से। कमल मथुरा से? यस सर। तो बताइए मेरे भाई, 2 दिन की क्लास है आपकी, क्या नॉलेज, कैसा नॉलेज मिल रहा है? कंपोनेंट्स के बारे में सर बता दी, रजिस्ट्रेशन है, डायोड, आई सी रिमूव करी डबल डे करके। तो 2 दिन में इतना सब कुछ? यस सर। कैसा संभव? संभव सर, अच्छा सर। कैसा संभव भाई, 2 दिन में इतना सब कुछ काम जितना बोल रहे हो, कैसा हो सकता है? एशिया टेलीकॉम पे हो सकता है, एशिया टेलीकॉम में हो सकता है। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से? अनुज, उत्तर प्रदेश से इस फील्ड में कितने साल से हो आप? 4 साल से हूँ सर। 4 साल से इस फील्ड में हो? Yes. तो ये बताओ मेरे को कि 4 साल का नॉलेज और अभी 2 दिन की क्लास का नॉलेज है, तो क्या फर्क है? दो दिन का नॉलेज भारी पड़ गया सर। ये भारी पड़ गया? हाँ सर। इसके ऊपर नॉलेज के ऊपर हमारे पुराने नॉलेज पे ये भारी पड़ गया? यस सर। यही नॉलेज अगर आपको 2 साल पहले मिल जाता तो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता मैं, कहाँ से कहाँ होता। राइट, तो ये बताइए आपकी कि 2 दिन की क्लास में आपका कंपोनेंट पूरा क्लोज हो गया है? यस सर। कंपोनेंट तो आपको आईसी रिवॉल्व करना, कंपोनेंट का पूरा नॉलेज, और आज रात को एक छोटी सी क्लास मिली है आपको। यस सर। माउंट और रिमाउंट की? यस। तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने किया है। कोई भी मदरबोर्ड हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके सारे कंपोनेंट को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और उनका वर्क बता सकते हैं? बिल्कुल, वर्क बता सकता हूँ, चेक करके बता सकता हूँ सही है या खराब है वो। मैं अगर आपको जितनी भी बक कोयले और बुश कोयले निकालूँ तो आइडेंटिफाई? बिल्कुल, मैं उसको चेक करके, आप मिक्स कर दो, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कौन बक कोयल है, कौन बुश कोयल है, कौन ग्राफिक आईसी की है या कौन लाइट आईसी की है। ये कर सकते हैं भाई? यस सर। खाली अकेले ये कर सकते हैं क्या? नहीं, कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है ये देखिए सर, सब कर सकते हैं। यस सर। तो इतनी जल्दी, इतनी क्लास, इतने सब सिंक्रोनाइज कैसे जी? सर, एशिया टेलीकॉम की वजह से हुआ है सर। यहाँ पे बहुत डीपली नॉलेज दी जाती है। टाइम पास वाला काम नहीं? कोई टाइम पास वाला काम नहीं है। 13 से 14 घंटे तक अभी क्लास चल रही है। सुबह में 8 बजे आया था, 7:45 आया था सॉरी। अच्छा। और अभी 10:10 हो चुके हैं सर अभी। अच्छा।
कौन इंसान अपनी क्लास को इतनी रात को लाइव ला सकता है? एशिया टेलीकॉम सर। कोई ला सकता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं ला सकता? इतनी मेहनत ही करना चाहेगा कोई? मेहनत टीम नहीं है उनके पास, मेहनत करने का वो नहीं। चलिए ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। अर्जुन हूँ सर, गुजरात से। अर्जुन ये बताओ मेरे को कि दो दिन की क्लास, कंपोनेंट की पूरी क्लास हो गई आपको, कंपोनेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। टेस्टिंग में पीसीबी के अंदर, पीसीबी के बाहर, मल्टीमीटर से टेस्टिंग, मल्टीमीटर चलाना है ना? हाँ सर। कौन सा प्रोटोकॉल क्या होता है टेस्ट करने के लिए? रजिस्टर को कैसे नापा जाता है, कैपेसिटर को कैसा नापा जाता है, कौन सा कैपेसिटर काम का होता है, कौन सा कैपेसिटर काम का नहीं होता है, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, सब नॉलेज है सर, सब सिखाया है सर। कॉइलें कितनी प्रकार की होती है? सब सिखाया है सर, दो प्रकार को। कॉइलों को माइक्रो हेनरी में चेक करना, यह आया जी सर? आ गया। आप चेक कर सकते हैं? हाँ सर। कितना नॉलेज दो दिन में? आईसी माउंट रिमाउंट कर सकते हैं आप? जी सर कर सकते हैं। मोबाइल से निकाल के आईसी निकाल सकते हैं? हाँ सर। अगर मैं दुनिया का कोई सा भी सीपीयू दे दूं जो यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व होता है तो आप रिवॉल्व? हाँ सर कर सकता हूँ सर। दो दिन में इतना सब कुछ कैसे मेरे भाई? हाँ सर, दो दिन में सर सिखा दिया। यहाँ की टीम ने सर हम लोगों को स्टूडेंट के ऊपर इतना मेहनत किया है ना सर को, हमको मतलब जो स्टूडेंट एकदम फ्रेशर है सर वो भी कर पा रहे हैं सर। इतना मेहनत किया है सर। इस यहाँ पे कितने फ्रेशर लोग हैं? हम सर ये देख सकते हैं आप, ये सारे फ्रेशर है। अच्छा, जो आपको देख रहे होंगे फ्रेशर, तो वो क्या मन में ये सोचे कि मैं फ्रेशर हूँ तो नहीं जाऊँ मैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ सकते हैं जी सर, एकदम बेफिक्र। आप ऐसा कैसे दावे से बोल रहे हैं? पहली बार हम मोबाइल काम किया, सब कुछ कर ले रहे हैं सर, दो ही दिन में इसे टेलीकॉम में सर सारा सुशांत ये बताइए मेरे को कि दो दिन की क्लास, सभी से काम कर रहे हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा दो दिन का आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देव सर की, स्पेशली मैं देव सर की बात करूँ तो बहुत बढ़िया, सारे कंपोनेंट का वो ज्ञान आ गया, सारे कंपोनेंट का नॉलेज हो गया। अभी मदरबोर्ड में ऐसा कोई कंपोनेंट की जो जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सब खत्म, जिसका काम नहीं मालूम हमको, सब हो गया सर। या पीसीबी के बाहर नहीं चेक कर सकते, पीसीबी के अंदर नहीं चेक कर सकते, मल्टीमीटर को कहाँ पे रखना है ना, माइक्रो हेनरी को किस मल्टीमीटर में नापना। आज तो माइक्रो हेनरी के बारे में वो बहुत अच्छे से वो सिखाए। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको, जो मोबाइल के बारे में जानकारी मिल रही है, वो बिल्कुल एकदम मतलब थ्योरिकली है कि प्रैक्टिकली है? थ्योरी प्रैक्टिकल तो दोनों मिल रही है, बहुत थ्योरिकली है। थ्योरिकली क्या होती है, एक वर्चुअल बात होती है। हाँ। एक वर्चुअल बात होती है कि जिसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता, तो सर जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज होता है कि नहीं होता? पूरा एकदम 100% होता है, 100% होता है। जो चीज पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल होता है आपको? मतलब ऐसा तो नहीं सर कुछ और चीज पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल यहाँ कुछ? जो पढ़ा जा रहा है वो दोपहर को पढ़ा जा रहा है और शाम को वो पूरा प्रैक्टिकल होता है। तो आपको समय पर्याप्त तो मिल रहा है? पर्याप्त मिल रहा है। कोई किसी प्रकार की समय में कमी, कोई टूल्स की कमी? 14 घंटे ही क्लास हो रही है सर, और क्या और कमी? नहीं, अपन सोचते हैं, अपन दिमाग लगाते कल से 15 घंटे की करते हैं। हाँ, होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। तो मतलब नहीं समझ में आया तो होना चाहिए कि समझ में आ जाए तो भी होना चाहिए? समझ में हो या ना समझ हो, होना चाहिए, होना चाहिए। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी सर, कहाँ से हो भाई? नेपाल से। नेपाल से, तो जबलपुर नेपाल से। बाकी कौन है, सब लोग इधर आ जाओ। जबलपुर से नेपाल से जबलपुर कैसी यात्रा रही आपकी? अच्छा रहा सर, बढ़िया। क्या नॉलेज मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा नॉलेज। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो क्या? जी सर, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आप, भारत के नहीं हो आप सर, नेपाल के हो है ना? एक देश क्रॉस करके आया हो, एक बाउंड्री क्रॉस करके हो, कई तकलीफों का सामना किया होगा आपने, बॉर्डर क्रॉस करके। तकलीफ तो नहीं पड़ा सर, तकलीफ तो नहीं पड़ा आते समय। तकलीफ तो होती है ना, इससे इधर जाएंगे हमारा मनी अलग है, हमारा पैसा अलग है, इधर का पैसा अलग है, हमारी सीम उधर अलग है, इधर की सीम इधर चलती नहीं है, ये इसको तकलीफ तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं, तकलीफ होती है ना, है ना? उस तकलीफ का सामना करके आप आए तो उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? रिजल्ट अच्छा मिल रहा है सर, मिल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई नेपाल से आता तो अपनी भाषा में बताओ? अपनी भाषा, अपनी भाषा में बोलो। आए हूँ सर, सीखना पाइन सर, हम लोग संग मेहनत गर्म पर चाहिए, आए पे सीखे जाना इंसान गारंटी सर। चलिए चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मोहम्मद फरमान, मुजफ्फरनगर से। मोहम्मद फरमान, एशिया टेलीकॉम जबलपुर। कितने टाइम से काम कर रहे थे और दो दिन का नॉलेज आपको कैसा लगा, कंपोनेंट की क्लास कैसी लगी आपको, और ओवरऑल हैंड स्किल पे जो काम कराया गया आपको दो दिन से वो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। एक बात कहें,
यहाँ आने से पहले भी सोच रहे थे कि मतलब कहीं पैसा अपना बर्बाद ना हो जाए, समय बर्बाद ना हो जाए, शॉप छोड़ के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये दिखाई दिया कि वन मंथ का जो है कोर्स है, लेकिन हमें लगता है कि मतलब 15 दिन में भी बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना, पैसा वसूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी, आने की मेहनत सब वसूल हो जाएगी। अच्छा जी, तो खैर वो ठीक है, बाकी अपना कंटेंट भी तगड़ा है जी, तगड़ा कंटेंट है, टाइम अपने पास बहुत पर्याप्त है, टाइम ज्यादा लेके चलते हैं, 6 घंटे की क्लास नहीं होती, 15 दिन का आपका कोर्स नहीं है, आपका कोर्स है ईमानदारी से 30 दिन का कोर्स है, 31 का महीना, 28 दिन आपकी क्लास चलेगी, 2 दिन आपका आने जाने का है ना, जैसा 30 दिन आपका पूरा कम्प्लीट होगा जी, है ना। और एक्सटेंशन है हमारे पास, 1 डे का एक्सटेंशन है, हम अतिरिक्त एक रिजर्व डे लेके चल रहे हैं जी, नॉलेज की तो आपको तो हम अगर नी लोगे तो भी हम ठूस ठूस के डालेंगे, उस चीज की जवाबदारी हमारी नहीं, सब नी बैठोगे तो तुमको यहाँ बिठाएंगे, दरवाजा हमारी मर्जी से खुलता है, तुम्हारी मर्जी से नहीं खुलता जी, इस चीज को मानते हो जी, बिल्कुल, हमारी मर्जी होगी उतनी देर बिठाएंगे ना आपको जी, बिल्कुल, हमारी मर्जी होगी उतनी देर बुलाएंगे ना आप, ये सर ये बात है। तो ओवरऑल नॉलेज कैसा मिल रहा है, और डिसिप्लिन के साथ मिल रहा है कि बिना डिसिप्लिन के साथ? डिसिप्लिन तो सर आर्मी से भी ज्यादा है यहाँ पे, और चलना पड़ेगा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, है ना जी, डिसिप्लिन तो नहीं होगा तो अपन पढ़ पाएंगे क्या? नहीं सर बिल्कुल, ये 30 लड़के जो अलग अलग से आए ये पढ़ पाएंगे क्या? नहीं सर, सर नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं नहीं डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा सर, जो भी आएगा सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। चलो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए। रमेश कुमार सर। रमेश कुमार जबलपुर एमपी, कहाँ से हो भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जी सर। उत्तर प्रदेश से जबलपुर कैसी जर्नी रही आपकी? अच्छी रही सर। आ जाइए, जो बाकी बच्चे सामने आ जाइए। बहुत अच्छी रही सर। तो ये बताइए कंपोनेंट की आज क्लास खत्म हुई, देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी, कैसी रही आपको, क्या नॉलेज था सर का, क्या लेवल से पढ़ाया सर? का नॉलेज तो 1 नंबर का था, जितना कहें उतना कम है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर। अच्छा, जो आपको नॉलेज वहाँ मिला उसका प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे से हुआ सर, अभी हो भी रहा है। अभी कोई कंपोनेंट की टेस्टिंग सर पूरा हो गया? अगर मोबाइल के बाहर अगर आपको अगर बक कॉइल और बूस्ट कॉइल निकाल के दे दे और दोनों को मिक्स कर दे तो आप बता सकते हो कौन सी लाइट की, कौन सी ग्राफिक्स की और कौन सी पावर की? सब कुछ सर। सब कुछ जी सर। इतना सब कुछ जी सर। और मैं बोलूँ कि एक आईसी को निकालने लगाने का तरीका आया कि नहीं? आप आया सर, सुबह लगाए थे, इस टाइम भी लगाए सर। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा सर। कौन बचा है भाई, बार बार बोलना पड़ेगा क्या? जो बच्चे सामने आ जाओ। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ जी। वेस्ट बंगाल से हो भाई, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है आयान। आयान, आयान ये बताइए मेरे को कि आपको 2 दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, जो इतना नॉलेज नहीं था 2 दिन में कंपोनेंट के बारे में बहुत कुछ जान लिया। क्या बोलेंगे सर के लिए? बहुत अच्छा है सर। और उसका प्रैक्टिकल हो रहा है आपको? हाँ सर, पूरा प्रैक्टिकल हो रहा है, पूरा मिल रहा है आपको? पूरा पूरा टाइम निकला है। तो आ जाइए, दोनों तीनों आप साथ में जाइए। आपका हो गया? चलिए, क्या नाम है आपका? सचिन बेहरा। आपका? मुकेश कुमार। आपका? राजकुमार। राजकुमार, एशिया टेलीकॉम जबलपुर कैसे? अच्छा है सर, बहुत दूर से आया हूँ। अच्छा, तो बहुत दूर से आया हूँ, जो उम्मीद लेके आया वो उम्मीद पूरी हो रही कि नहीं हो रही? पूरा हो रहा है, जो सोचे थे उससे ज्यादा मिल रहा है सर। जो सोचे उससे ज्यादा मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल? यस सर। ऐसा बोल सकता हूँ मैं? यस सर। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल? पैसा वसूल होता है यस सर। यहाँ पे कोई फ्रेशर नहीं आना चाहिए कि 10 साल काम करे हुए ना आना चाहिए? जो चाहे वो आ सकता है सर। जो चाहे वो आ सकता है, जिसको नॉलेज चाहिए। मेरा नाम राजकुमार, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ जिसको आना है वो आ सकते हैं, इसलिए कि इधर अच्छा ट्रेनिंग मिलता है मेरे को, 3 दिन में मेरे को कंपोनेंट आईसी को नॉलेज पूरा मिल गया। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो सोच के आए थे वो चीज़ मिल रही कि मिल गया? मिल गया सर, मिल गया। ये चीज़ की नीड थी कि नहीं थी आपको? थी थी कि नहीं आपको? थी थी। ठीक है, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, मुकेश कुमार, वेस्ट बंगाल जी। बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज दूसरा दिन आपका कंपोनेंट की क्लास, देव सर के साथ, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर, जो जानकारी नहीं थी वो भी हमें मिल गई। अच्छा, हम 5 साल से काम कर रहे थे, सिर्फ सेम बोर्ड से इधर से उधर करना जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, कोई जानकारी नहीं था, देख कर ऐसा है वैसा ये काम। तो अभी क्या लेवल है हमारा? सभी का जानकारी हो चुका है ना, सबका जानकारी हो चुका है, कंपोनेंट का जो डीपली जानकारी वाकई में वो होना चाहिए, खराब नहीं भी होने पर उसको हम चेंज करके देखते थे, शायद ऑन हो जाए। अच्छा, काम हो जाए वो जो जो भ्रम था, जो हमारी जो यूट्यूब का गंदा नॉलेज भरा हुआ था हमारे इसमें, तो वो खाली हुआ कि नहीं हुआ? खाली हो गया। किस किस का यूट्यूब का नॉलेज खाली हुआ? सबका सर, सबका हो गया। अभी कोई यूट्यूब देखेगा क्या? जरूरत है क्या आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है क्या, या किसी के और गाइडेंस में पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो जो आपको यहाँ मिल रहा है वो मिल सकता है क्या दूसरी जगह? नहीं सर, कभी भी नहीं मिल सकता।
सर टीम वर्क है यहाँ पे, एक टीचर नहीं छह टीचर है यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो आपके मेन टीचर है मिस्टर देवर्धन अग्रवाल सर है जो एशिया टेलीकॉम के ओनर है, उनके सामने तो जो उतना मेहनत करते हम लोग तो टिक ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि साइड हो जाए, बाकी वो प्रेशर इतना बनाए रहते हैं निकल नहीं पाते हैं, बहुत ही एक्टिव हो गया। तो ऐसे टीचर के सानिध्य में ऐसे टीचर को आप अपना जीवन का आइडियल बनाना चाहते हैं? जरूर सर, वो उनको जिंदगी का आइडियल बनाने में कुछ तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं सर, उनको बनाना चाहता है सर को, सब बनाना चाहते हैं सर, सब बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और कौन बचे भाई आगे आ जाइए। तो लास्ट स्टूडेंट है हमारे साथ, जी मेरा नाम राजेश है बिहार से। जी राजेश बताइए भाई, दो दिन एशिया टेलीकॉम में क्या नॉलेज मिला? बहुत मैं एकदम फ्रेशर हूँ। मैं आप फ्रेशर है जी, तो फ्रेशर के हिसाब से नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आपकी जगह पे अगर कोई एक दूसरा है, अगर ये कोई एक फ्रेशर बच्चा जो ट्वेल्थ या ग्रेजुएट करके पास होके अगर यहाँ बैठा है, अजीम आइए आपका काम हुआ, हाँ तो अगर कोई ग्रेजुएट अगर यहाँ आकर आता है ग्रेजुएशन, जो अभी दुकानदारी से उसका मोबाइल इंडस्ट्री से कोई लेना देना बिल्कुल भी लेना देना नहीं है आपका, है ना, मोबाइल इंडस्ट्री से उसका लेना देना बिल्कुल नहीं, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आ सकता है आराम से, आए बहुत अच्छा नॉलेज है यहाँ पे, तो फ्रेशर बच्चा आ सकता है, आ सकता है उस लेवल का नॉलेज, जिसको नॉलेज चाहिए वो आ सकता है ना। अगर 10 साल वाला भी है अगर साथ में है और अगर फ्रेशर भी साथ में है, तो नीट दोनों की है, तो दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है? दोनों की होगी, दोनों की होगी जी। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, सामने आ जाइए, और कौन बचा भाई, और कौन बचा इधर? चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो दो दिन की क्लास हो चुकी है आपकी, कंपोनेंट का नॉलेज आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर, हर कंपोनेंट डिटेल में समझाया गया, डीपली समझाया गया, विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। तो अगर हम आज कंपोनेंट सारे हो गए हैं आपको, अगर सारे कंपोनेंट अगर मैं निकाल के पीसीबी से बाहर निकाल के आपको दे दूं और एक एक कंपोनेंट को बोलूं कि आप इसको टेस्ट करके बताओ मेरे को इजीली, हां क्या काम है वो टेस्ट करके बताओ, तो बहुत बहुत इजीली सर, सिर्फ टेस्ट नहीं उसका वर्क क्या है हर चीज भी बता सकते हैं। इतना डीपली नॉलेज मिला है आपको? हाँ सर बहुत डीपली नॉलेज मिला है। एक रजिस्टर की वैल्यू मालूम पड़ी कि एक रजिस्टर से पूरा मोबाइल डेट हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल, इसका मालूम पड़ा, पहले नहीं पता था बट अभी पता चला कि कैपेसिटर के नए नए काम मालूम पड़े, जो अभी नए मोबाइल में कैपेसिटर आ रहे हैं ना, 4 लाख के कैपेसिटर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिली आपको? हाँ सर अभी मिली, पहले कुछ पता नहीं था, पहले शॉप में जाके फोन, कैपेसिटर जो आपका कैपेसिटर दिखता था तो वो अब डायोड दिख रहा है आपको? नहीं सर, दिख रहा है डायोड? यस सर, टीवीएस डायोड नए टाइप का? यस सर, दिखा आपको? यस सर, पीसीबी में सर ने बताया आपको? यस सर। तो क्या लेवल है सर का ये बताइए, पढ़ाने का क्या लेवल है? वाकई में यही लेवल होना चाहिए पढ़ाई का? सर सर का लेवल की कोई यूनिट नहीं है सर, उसकी उसका तो कोई काउंटिंग है नहीं सर, वो इनफिनिट लेवल की काउंटिंग है सर। ठीक है, तो मैं आपके व्याप पर सारे बच्चों का रिपोर्ट पूछना चाहूंगा, तो ऐसा कोई बच्चा जो बिना कंपोनेंट का नॉलेज का बैठा हुआ है? नहीं नहीं सर, हर किसी को डीपली एक एक करके पूछा गया था, एक एक करके कंपोनेंट दिखाकर उनको पूछे थे कि क्या है, तो हर किसी ने उसका बताया, हर किसी ने उसका आंसर दिया, तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ सर, हर एक एक स्टूडेंट। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। राज में रख दो।